एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड, एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको सात ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। वेल, हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें हमेशा चलनी चाहिए जिससे हम सही एक्शंस ले पाएं, सही डिसीजंस ले पाएं। कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं और एक सही रास्ते पे आने के लिए भी हमें उस एडवाइस की जरूरत होती है। तो अगर आपको उस एडवाइस की जरूरत है सो दैट यू कैन गेट ऑन टू द राइट ट्रैक, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना सो दैट आप कुछ भी मिस ना करो जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दो कि ऐसी वीडियोज आप मिस ना करो। सो द नंबर वन थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो बेस्ट एडवाइस है आपके लिए, वो ये है कि आप ये देखो कि क्या कोई पास्ट को बदल सकता है। नो वन कैन चेंज द पास्ट, कोई भी पास्ट को, अतीत को नहीं बदल सकता। जो निकल गया उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। जो आप चेंज कर सकते हो वो अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को चेंज कर सकते हो, वो भी सिर्फ उसके बारे में सोच के नहीं, प्रेजेंट में काम करके, आज वर्तमान में काम करके। तो हो सकता है आप अभी तक बैठे हो ये सोचते हुए मेरे साथ पास्ट में पता नहीं क्या क्या हुआ है। खड़े हो जाओ, जस्ट स्टैंड अप एंड आप सोचो कि मुझे आज क्या करना है जिससे मेरा फ्यूचर बदल सकता है। सो हमें फ्यूचर को बदलना है, प्रेजेंट में काम करना है, राइट? नाउ द सेकेंड एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो और आप उसमें एक बार फेल हो गए, आप दोबारा फेल हो गए, आप कितनी भी बार फेल हो गए, ये फेलियर कुछ नहीं होता, ये फेलियर सक्सेस का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि फेलियर के बाद ही सक्सेस आती है। मैंने आपको बताया था कि पहले आपका फेलियर जोन होता है एंड जो लोग इस फेलियर जोन से निकलते हैं उन्हें सक्सेस मिलती है। तो आपको फेलियर जोन से निकलना ही पड़ेगा कामयाब बनने के लिए, बट आप एक ही शर्त पे फेल हो सकते हो, कोई तरीका नहीं है फेल होने का, अगर आप हार नहीं मान रहे। अगर आप हार मान लेते हो, इफ यू क्विट देन यू फेल, अगर आपने हार मान ली तो आप 100% फेल हो जाओगे। तो इसलिए जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी, हमें कायर नहीं बनना, हमें कॉवर्ड नहीं बनना, हमें तो कामयाब बनना है, इसके लिए हम कभी हार नहीं मानेंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। नाउ जो तीसरी चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है हमें रिजेक्शन मिलता है, हमें लोग मना कर देते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज में मना हो जाता है, बट मना का मतलब ये नहीं है कि चीजें हो नहीं रही। कोई इंसान एक जॉब इंटरव्यू में जाता है उसे मना हो जाता है, मना का मतलब परमानेंटली नो नहीं होता। नो का रियल मतलब होता है नॉट नाउ, नॉट राइट नाउ। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। वेल, आज जो मेरी वाइफ है, जब मैंने उसे प्रपोज किया था उसने मुझे मना कर दिया था, शी सेड मी नो। क्या मैंने हार मान ली? नो, मुझे पता था नो का मतलब है नॉट राइट नाउ, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है सो दैट वो यस बोले, बट शी इज माई वाइफ नाउ, राइट? सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि अगर आपको आज कोई मना कर रहा है तो आपको अपने ऊपर काम करना है और किसी के लिए नहीं। तो मैंने क्या किया अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने आप को एक अल्फा मेल बनाने के लिए, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है इस एडवांस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर जिसका नाम है एडवांस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस कोर्स में आप सबको सीखोगे कि किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हो, और जो मैंने किया वो सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है सो दैट जिसने मुझे नो बोला था शी इज माई वाइफ नाउ। सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। पूरी जानकारी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने फोन में और व्हाट्सएप में कि इस कोर्स में मैं आपको एग्जैक्टली क्या क्या सिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में जरूर जाओ। वहां पे पीडीएफ के लिंक से हिंदी और इंग्लिश में, उन पे क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, पढ़ो कि क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि ये कोर्स वो कोर्स है जिसकी आपको अभी तक जरूरत थी, और इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो नो मीन्स नॉट राइट नाउ, अपने आपको बेहतर बनाओ एंड कभी हार मत मानो। नाउ द फोर्थ एडवाइस इज कि जो हैप्पीनेस है, अगर आप बाहर ढूंढ रहे हो तो आपको नहीं मिलने वाली, हैप्पीनेस इज विद इन यू, हमेशा याद रखना है। खुशी के लिए भाग रहे हो, वो लड़की मेरे साथ होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे वो जॉब मिल जाएगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, जब मैं वो गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, इन चीजों से आपकी खुशी डिपेंड नहीं करती है। खुशी तो अंदर से आती है, आप किसी भी टाइम पे खुश हो सकते हो, आपको रीजन ही नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। लाइक दिस यू कैन बी हैप्पी। इस मूवमेंट को, इस जो अभी चल रहा है सिनेरियो, इसे एंजॉय करो। आपको भगवान ने जो सांसें दी हैं इन्हें एंजॉय करो, जस्ट फील द हैप्पीनेस विद इन एंड यू नीड नो रीजन फॉर दैट। नाउ द फिफ्थ एडवाइस जो मैं आप सबको देना चाहता हूं, जो आप हमेशा याद रखना कि जिंदगी में अगर कोई रास्ता बंद होता है, कोई दरवाजा बंद होता है,
तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि कोई नया दरवाजा खुल रहा है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए कोई बड़ा दरवाजा खुल रहा है। ऊपर वाला अगर एक रास्ता बंद करता है तो ऐसा हम बोलते भी हैं, सब जानते हैं कि वो 100 रास्ते खोल देता है, तो आपको बस वो दूसरा रास्ता ढूंढना है। बट अगर आप रोते रहोगे कि भाई दरवाजा बंद हो गया और आप साथ वाला दरवाजा देखोगे ही नहीं, तो आपको हमेशा लगेगा कि ऊपर वाले ने आपके लिए कभी कुछ किया नहीं। बट लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो कि आसपास क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, एंड अगर आप ढूंढोगे तो आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि ऊपर वाला अगर एक रास्ता बंद कर रहा है, एक दरवाजा बंद कर रहा है, तो 100 दरवाजे खोल रहा है। ढूंढो एंड ऐसा होगा आपके लिए। सिक्स एडवाइस जो आप हमेशा याद रखना कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं उससे आपकी रियलिटी डिफाइन नहीं होती। पीपल्स ओपिनियन डू नॉट डिफाइन द रियलिटी। लोगों ने बोला भाई तुम बहुत बुरे हो, बट इससे आप बुरे नहीं बन जाते। और लोगों ने अगर ये भी बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हो तो इससे आप अच्छे नहीं बन जाते, आप अपने कर्मों से अच्छे बनोगे। गीता में लिखा है कि जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। सो आज अगर लोग बोल रहे हैं तो आप उन्हें बदल सकते हो अपने एक्शंस को चेंज करके। बट लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया और आपने मान लिया, तो उससे रियलिटी नहीं बन जाती। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार एक लड़की स्कूल से जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसे परेशान किया, उसे धक्का दिया, लड़की गिर गई, और गिरने के बाद उस लड़कों ने उन्हें गाली गलौच से उस लड़की के साथ बात करी और बोला तू सबसे बुरी लड़की है स्कूल में, जो सबसे बुरी लड़की है वो तू है, तू बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, किस चीज़ का घमंड है तुझे। और लड़की जो स्कूल की टॉपर थी, जो सबसे खूबसूरत थी, अगले ही दिन से उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। जो हमेशा अच्छे से रहती थी, वो अपने बारे में ध्यान रखती थी, हमेशा साफ कपड़े पहनती थी, हमेशा नहा धो के नीट एंड क्लीन रहती थी, उसने अपने बारे में ध्यान रखने ही छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। जस्ट उसने सामने वाले के ओपिनियन पे भरोसा कर लिया कि मैं ऐसी ही हूँ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की बातों में ना आओ। लोग क्या बोलते हैं इससे आपकी ज़िंदगी, आपकी रियलिटी डिफाइन नहीं होती। एंड द फाइनल एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आज आपको कुछ ऐसा करना है। एक बार मैं एक कविता पढ़ रहा था और उस कविता की कुछ पंक्तियाँ इस तरीके से थीं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो इसमें ये लाइन थी ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, जब तक कुछ बड़ा नहीं करोगे जय जयकार नहीं होगी, बट आपको जय जयकार चाहिए तो आज कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप अपने आप को प्राउड फील करा पाओ, अपने माँ बाप को प्राउड फील करा पाओ, इस कंट्री को प्राउड फील करा पाओ कि आप इस कंट्री के पार्ट हो, इस देश के पार्ट हो। फॉर दैट यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग जिससे आप अपने आप को प्राउड फील करा पाओ। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, एंड जैसे मैंने बोला कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आपको इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट करके बताओ। नीचे कमेंट करो कि सबसे अच्छा क्या लगा। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो एंड शेयर कर दो हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सो दैट बहुत सारे लोगों तक हम इसी तरीके से ऐसी मोटिवेशनल मैसेजेस लेकर जा पाए और उनकी ज़िंदगी को बदल पाए। फाइनली सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिएगा। एंड जो हमारा कोर्स है एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप अभी कॉल कीजिए। अब जो लोग इस नंबर पर अभी कॉल करेंगे उन लोगों को इस कोर्स पे 80% का डिस्काउंट मिलने वाला है। आप इस नंबर पर अभी कॉल कीजिए एंड हमारे काउंसलर्स को बोलिए कि सर ने बोला था इस वीडियो को देखने के बाद कि अगर हम कॉल करेंगे हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमें वो डिस्काउंट चाहिए, एंड दे विल गिव यू दिस डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। नाउ फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।